Dejé de ¿Yo? ¿Qué chingón me vivís, madre? ¿Vivís, madre? ¿Vivís, madre? तो हेलो फ्रेंड्स, आज है दिवाली। मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बारिश बहुत हो रही है, तो मैं भी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। तो हम लेने जा रहे हैं थोड़ा सा मीठा, क्योंकि हम शाम को जो है गुरुद्वारे जाएंगे और मंदिर भी जाएंगे, तो वहाँ पर मैं लेकर जाऊँगी प्रसाद। तो घर के लिए भी थोड़ा सा मीठा चाहिए, पर आज सुबह से ही बारिश बहुत हो रही है, तो घर में थोड़े बहुत मैं पकौड़े वगैरह भी बनाऊंगी बैठ के। तो अभी मेरे हस्बैंड है जो बाहर ही है, तो वो नहीं है। बारिश बहुत तेज़ सी होने लगी है, तो अभी देखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। आई होप मैं शॉप पर थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ मिठाई की, बिकॉज़ काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है दिवाली पर। तो मिलते हैं, जा रहे हैं मीठा लेने। बाहर बारिश बहुत हो रही है, तो ये देखिए मेरे हस्बैंड भी थोड़ा भीग गए हैं, तो मैं उन्हें लेकर आई हूँ अम्ब्रेला लेकर बाहर से। तो काफ़ी रेन हो रही है, तो हमने मैचिंग मैचिंग थोड़े कपड़े भी पहने हुए हैं सेम कलर के। तो चलिए मिलते हैं जल्द। तो ये हम घर से निकल चुके हैं। तो हमारी पार्किंग थी जो थोड़ी घर से दूर थी, तो फिर आपको पता है कि वहाँ पर जाकर और रेन ऊपर से इतनी हो रही थी, तो थोड़े हस्बैंड को कैश मनी चाहिए थे, तो इसीलिए वो शॉप में रुके थे एक में। तो और उसके बाद फिर बारिश इतनी तेज़ होने लगी, और फिर मैं उन्हें लेकर आई, तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैं अपने हस्बैंड को बाद में अम्ब्रेला लेकर लेने गई थी। तो थैंक गॉड के जो इंडियन शॉप्स हैं वो हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वैसे तो मैं कभी कभी यहीं पर यहीं आती हूँ जब मैंने इंडियन ग्रॉसरी करनी होती है, कोई सामान ज़्यादा ही फिनिश हुआ होता है, तो फिर आपको पता है कि मैं यहीं से करती हूँ। पर मैं यहाँ पर 3-4 वीक बाद ही आती हूँ, एक मंथ में आती हूँ, और कभी मैं 2 वीक बाद भी आती हूँ, तो ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि जहाँ पर जो पार्किंग की है प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, तो आपको पार्किंग नहीं मिलती है यहाँ पर, बड़ी मुश्किल के साथ मिलती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही जाकर जो भी सामान मैंने लेके आना होता है, तो वो मैं जल्दी से लेकर आ जाऊँ, नहीं तो बाद में आप जब जाते हैं तो यहाँ पर फिर इतना ट्रैफिक हो जाता है। अभी तो ये देखिए खाली है, तो नहीं तो आपको यहाँ आने में ही बहुत टाइम निकल जाता है। आपको पता है कि यहीं पर ये देखिए मैं सुबह सुबह जल्दी ही आ गई, तो अभी स्टोर खुला ही था, तो फिर कोई लाइन नहीं थी, तो उसके बाद तो 100-200 बंदे की लाइन लग जाती है मीठा लेने के लिए जब दिवाली वगैरह होती है, तो फिर इतना रश हो जाता है, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाती है। आप वेट करनी पड़ती है, ऊपर से बारिश हो रही थी, तो फिर आपको पता कितनी वेट करनी पड़नी थी हमें। तो अभी तो थैंक गॉड ये देखिए जहाँ पर मैंने मिठाई की बना ही ली थोड़ी सी वीडियो, तो मैं भी मीठा लेकर आई हूँ, और मुझे टेंशन भी है कि मैं मीठा मतलब मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा खा खा कर, और मेरा वेट फिर से गेन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वैसे मैं ज़्यादा मीठा नहीं, 3 डब्बे ही लेके आई थी, और मैंने जो मेरे थोड़े बहुत जिनको देना था मैंने उनके लिए, तो उन्होंने भी वापस मुझे दिए हैं, तो आपको पता है, तो फिर वही मीठा वापस भी आता है आपके घर में, तो 2-3 डब्बे तो हो ही गए हैं फिर भी। तो बस हम यहाँ से जल्दी से लेकर, और मेरा जो मैंने पकौड़े वगैरह बनाने थे तो बेसन भी फिनिश हुआ था, तो फिर साथ ही शॉप है, तो फिर हमने वहाँ पर जाना था इसके बाद ही। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अभी ले लेते हैं, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। आपको पता है जब भी कोई काम हो और ऊपर से बारिश हो, फिर काम जो होता है डबल टाइम लग जाता है आपको। तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सारी मिठाई रखी होती है, और लिखा होता है कितने की पाउंड है, जो भी उन्होंने बताया होता है। तो फिर हमने जो जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो करवा ली थी कि हाँ हाँ ये वाली कर दो हमें। तो फिर ये देखिए लोग बस साथ साथ आना शुरू हो रहे थे जब हम निकले हैं, तो उसके बाद ही 15-20 लोग आ चुके थे मिठाई लेने। तो यहाँ पर तो आपको पता है नंबर्स आपको लेकर फिर लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो मैं तो थैंक गॉड कि जब स्टोर खुला ही है, तो मैं तभी आ गई थी जल्दी से मीठा लेने के, नहीं तो फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है आपको मीठा लेने के लिए जहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। इसके बाद मैंने बेसन लेना था और इंडियन स्टोर से साथ ही था, तो फिर हम वहाँ चले गए साथ साथ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
तो आपने देख ही लिया होगा कि हम ऐसे ही बस कोई बातें करते करते हंसी मजाक करते करते कोई चीज़ लेने जाते हैं तो मेरे हस्बैंड कोई ना कोई स्टोरी सुनाते रहते हैं, तो मज़ा आता है उनकी बातों सुनने में। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हंसी वाली बातें आपने सुनी नहीं होती, तो फिर मुझे अच्छा लगता है उनकी बातों बातों में, हमें पता नहीं चलता काम का। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, कभी कभी वो लॉन्ड्री में भी मेरे साथ ही आ जाते हैं, तो फिर हम लॉन्ड्री डालकर फिर इधर उधर वॉक करने चले जाते हैं, तो फिर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। एक इंडियन स्टोर हमारे घर के पास ही है, तो वहाँ से तो ग्रॉसरी वगैरह तो मिल जाती है, पर आपको पता है मीठा वगैरह लेने जाने के लिए फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, गाड़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट ही लगते हैं, पर जो दूसरा है वो वॉक पर ही है, तो आप वहाँ से भी ग्रॉसरी वगैरह कर सकते हैं। तो ये मैं मीठा वगैरह लेकर घर में जल्दी से आ गई थी, उसके बाद मैंने बनाने थे पकौड़े, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं लंच ना बनाऊं, तो फिर मैंने पकौड़े वगैरह ही बच्चे खा लेंगे, तो ब्रेड वाले बनाए थे और थोड़े सिंपल वाले आलू वाले पालक वाले भी मैंने बनाए थे साथ साथ। तो जल्दी से आके मैंने बस अपने कपड़े चेंज करने थे और मैं सोच रही थी कि हाँ उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर मैंने रेडी भी होना है और फिर दिया जलाने भी जाना है, तो आपको पता है कि फिर मुझे टाइम से जाना पड़ता है, उसके बाद ही फिर मैं घर में आके दिया जलाती हूँ। तो आज का दिन काफ़ी बिजी हो जाता है, दिवाली का दिन आपको पता है, तो बच्चे अभी मेरे सो रहे थे जब मैं आई हूँ, तो मैंने सोचा कि उनके जब सोते सोते ही मैं जो मेरा सामान बाहर से लेकर आने वाला है मैं जल्दी से ले आऊँ, और उन्हें जो मैं पकौड़े वगैरह बनाकर फिर ही उठाती हूँ। तो फिर वो जब मैं घर में गई थी तो थोड़ी देर बाद जब मैं पकौड़े वगैरह रेडी करने लगी थी तो तब तक वो उठ चुके थे, तो ये बस मैंने रास्ते की थोड़ी बहुत बना लेती हूँ कि बातें भी हो जाती है और आपसे, और मैं थोड़ा बहुत अपना एरिया भी दिखाती रहती हूँ आपको साथ साथ, तो बस ऐसे ही होता है। तो इसके बाद मैं बस जल्दी से आई, कपड़े चेंज किए और अपने काम में लग गई। तो मैंने थोड़ी सी जो पुदीने की चटनी होती है मैंने वो बनाई, तो थोड़ी मैं रेस्ट करने लगी थी घर में आकर, और फिर मैंने कपड़े चेंज किए तो बोला कि हाँ अभी करना स्टार्ट करूँ नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये मैं पुदीने की जो चटनी थी वो बना रही थी, तो सारे तो मैं नहीं रेसिपी मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर रही कि मैंने पकौड़े भी साथ में बनाए, आपको पता है कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मुझसे जितनी बनी बना ली, आपको पता है कि सामान इधर उधर इतना किचन में हो जाता है तो फिर सारी नहीं बनती। तो सबसे पहले मैंने ये ब्रेड में लगाने के, ये देखी मेरा बेटा उठ खड़ा है और मुझे किस करके गुड मॉर्निंग वाली, तो वो बस अपना चाय वगैरह के साथ बिस्किट वगैरह थोड़ा खा लेगा तब तक, तो फिर उसके बाद मैं पकौड़े बना ही लूँगी। तो मैं जल्दी से बस वही अपना काम कर रही थी, थोड़ा थोड़ा काम करते भी आपको पता है कि दिवाली वाले दिन तो हो ही जाता है, तो फिर वैसे भी मैं पकौड़े वगैरह घर में कम ही बनाती हूँ, तो आज फिर मुझे ये था कि काफ़ी दिनों से नहीं खाए हैं तो मैं बना लूँ। तो ये मैं चटनी ब्रेड में लगाती हूँ, तो जो भी मैंने रेसिपी देखी होती है, तो ये मैंने आलू है जो मैश कर रही थी, तो आलू आपको पता है कि जब ब्रेड में लगाते हो तो अच्छे से स्मूथ हो, तो फिर उसके बाद फिर मैं रेडी हुई और फिर मेरी मॉर्निंग शुरू। यहाँ पर मैं गुरुद्वारे में आ चुकी हूँ, तो आपको पता ही है कि सबसे पहले गुरुद्वारे में एंटर होने से पहले हम यहाँ पर बाहर ही रखते हैं दिए वगैरह जलाने के लिए, आपको पता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ऐसे यहाँ पर लगा देते हैं जो अपने टेबल होते हैं, तो मेटल के टेबल होते हैं, तो वहीं पर लोग ऐसे ट्रे में दिए जलाते हैं। तो मैंने दिया जहाँ पर जला लिया था, मैंने मेरे हस्बैंड ने बच्चों के साथ मैंने दिया जलाया, और उसके बाद फिर हम अंदर चले आए माथा टेकने के लिए गुरुद्वारे में। तो ये घर के पास है, तो मोस्टली मैं यहीं पर आती हूँ माथा टेकने के लिए, तो यहाँ पर मैंने दिए अपना जला लिए थे, और फिर उसके बाद ये मेरा बेटा है साइड में रेड में, तो बस इसके बाद फिर हम अंदर चले गए थे, तो थोड़ा टाइम हमने जो कीर्तन था वो चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो रौनक अभी बस स्टार्ट ही हो रही थी, आपको पता है थोड़ा दिन है तो लोग अभी आना स्टार्ट हुए थे, उसके बाद तो आपको पता नहीं है कि इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि आपको माथा टेकने के लिए बहुत वेट करनी पड़ती है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा कीर्तन सुना, और आपको भी मैं साथ साथ सुनाती हूँ, तो आप भी एंजॉय करें। Oh,
रही हूँ मेरे हस्बैंड का, बिकॉज वो पिज़्ज़ा लेने गए हैं बेटी के साथ, तो बस मैं उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने गुरुद्वारे से हमने लंगर खा लिया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, तो दोपहर को मैंने पकौड़े वगैरह बनाए थे तो वो उन्होंने खा लिए थे, तो अभी वो उन्होंने कुछ नहीं खाया है तो वो बोलते हैं कि थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह खाने का मन है, तो वो हस्बैंड लेने गए हैं बेटी के साथ, बेटा मेरे साथ ही पीछे बैठा हुआ है। तो मैं गुरुद्वारे में दिया जला आई हूँ जाकर, पहले तो हमेशा की तरह पहले मैं गुरुद्वारे में दिया जलाती हूँ, उसके बाद ही फिर घर आकर दिया जलाती हूँ। तो अभी बस मैं घर में जाऊंगी और दिया जलाऊंगी घर में जाकर, तो अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, बस मैं उनकी अभी वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी से आ जाएं और हम फिर घर जाकर मैं दिया जलाती हूँ। तो यहाँ पर हम घर आ चुके हैं, तो हमेशा की तरह हम ऐसे ही करते हैं, मेरे हस्बैंड हैं जो वो दिया जलाते हैं, हम साथ साथ दोनों मिलकर दिया जलाते हैं, और फिर बच्चे जो आकर हैं वो खाना वगैरह खाना लग गए थे तो हमने सोचा कि हम दिए जला दें, तो मैं दिए घर में 5 और 7 दिए जलाती हूँ, एक मैं पानी के पास रखती हूँ, एक बाबा जी के रूम में रखती हूँ जहाँ पर मैं हमारा पाठ करती हूँ और मैंने रखा हुआ है सारा सामान वहाँ पर रखती हूँ, एक मैं लिविंग रूम में और 2 दिए घर के बाहर रखती हूँ, और फिर बस ऐसे ही होता है यहाँ पर, तब तक आपको जागना पड़ता है जब तक आप दिए पूरी तरह से जल ना जाएं। आपको पता है कि जहाँ पर डर होता है, तो लकड़ी के घर हैं तो फिर थोड़ा सा डर लगता है आपको, तो फिर मैंने बस ऐसे ही जहाँ पर ऐसे कर ले, ये 2 दिए हैं जो एक मैं पानी के पास रखूँगी और एक मैं बाबा जी के रूम में रखूँगी, तो ये 2 दिए मैंने साथ साथ जला लेने हैं। तो इसके बाद बस मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ हम दोनों जलाते हैं, तुम भी मेरे साथ इधर आ जाओ, तो मेरी अकेले की वीडियो बना रही हो, तो फिर मैं उनके साथ आ गई। हमेशा हम ऐसे ही है, तो आज वीडियो बनानी है तो साइड में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, मोस्टली हम ऐसे ही दिया जलाते हैं, हर साल कितने सालों से हम ऐसे ही दिवाली मनाते हैं, तो दोनों हम ऐसे ही दिया जलाते हैं, आप देख सकते हैं मोस्टली सेम हम ऐसे ही होते हैं हर साल, मुझे याद आ जाता है जब हम दिया जलाते हैं तो आपको अच्छा लगता है जैसे आप दिवाली मनाते हो, तो ऐसे ही हमारे पंजाब में भी ऐसे ही होता है, गुरुद्वारे दीवा जगा जलाते थे और फिर मेरे जो भैया है वो खेतों में दिया जलाने जाते थे, पानी के पास रखते थे और बाकी दिए घर में जलाते थे। आपको पता है वहाँ पर तो बहुत से दिए जलाते हैं, पर जहाँ पर 5 और 7 दिए ही मैं जलाती हूँ तो वो मैंने साइड में रखे हुए हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।